भारत की 135 करोड़ की जनसंख्या में हर घर से इतना ज्यादा कूड़ा निकलता है कि इस कूड़े का एक पूरा पहाड़ बन चुका है। और पूरे भारत में इस तरह के 3159 कूड़े के पहाड़ है, जिनकी ऊंचाई दिल्ली के लाल किला से भी कहीं गुना ऊंची है और जिनका कुल वजन 64 मिलियन टन है। और एक अनुमान के अनुसार 2031 तक इसका कुल वजन 164 मिलियन टन तक जाने वाला है। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस कूड़े को डिकम्पोज किया जाता है और किन किन कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले कूड़े को आपके घरों में से, नालियों में से, सड़कों में से, छोटे छोटे रिक्शा और टेम्पो की मदद से इकट्ठा करके कूड़ेदान तक लाया जाता है। इसके बाद इस कूड़े की छटाई होती है, जिसमें से गीला और सूखा कूड़ा को अलग किया जाता है। जो गीला कूड़ा होता है उसे पशुओं को खाने के लिए अलग रखा जाता है, ताकि इसे पशु खा सके। अब इसके बाद इस बचे हुए कूड़े को आधुनिक ट्रकों की मदद से लोड करके मानव निर्मित कूड़े के पहाड़ तक ले जाया जाता है। और सामने की तरफ ये जो चील उड़ते हुए देख रहे हैं, गीले कूड़े का पहाड़ है, जो कि अभी अभी ट्रकों की मदद से अनलोड किया गया है। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, सूखे कूड़े का पहाड़ है, जिसको 6 महीने तक सुखाया जाता है और कई बार इन पे आग भी लग जाती है और ये पहाड़ अपनी जगह से खिसक कर कई बार गिर भी जाते हैं। इसके बाद कूड़े को डिकम्पोज करने का मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पर जेसीबी क्रेन की मदद से सूखे हुए कूड़े को इस बड़ी सी मशीन के अंदर डाला जाता है, जहाँ पर वर्करों द्वारा इस कूड़े की छटाई होती है, जिसमें खाली बोतलें, लकड़ी, पत्थर, लोहा, इस सबको अलग किया जाता है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से इस कूड़े को ऊपर ले जाया जाता है। सामने की तरफ ये जो धुआं उड़ता हुआ आप देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल धुआं नहीं है, ये मीथेन गैस होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से तकरीबन 20 गुना खतरनाक होती है। और आप सोच सकते हैं, इस गैस के बीच में सारे वर्कर काम करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें गंभीर से गंभीर बीमारियां हो जाती है, यहाँ तक इन्हें अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियां भी लग सकती है। पहले प्रोसेस से गुजरने के बाद जितना भी कूड़ा होता है ऊपर की साइड इस रोलर में जाता है और इस रोलर को ट्रमल कहते हैं। इसी ट्रमल के अंदर सारे कूड़े की कटाई और छटाई होती है और ये ट्रमल अंदर से इतना ज्यादा गर्म होता है कि जितनी भी पन्नियां और कागज होती है वो जल के राख हो जाता है। कूड़े की छटाई और कटाई होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कूड़ा होता है दो तरफ जाता है, एक राइट हैंड साइड, एक ऊपर की साइड। राइट हैंड साइड जितना भी कूड़ा होता है वो मोटा कूड़ा होता है और ऊपर की साइड हमारा बारीक पिसा हुआ कूड़ा जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कूड़ा पिसकर इतना ज्यादा पतला हो चुका है कि इसी की खाद बनाई जाती है। अगर आगे की साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पिसा हुआ कूड़ा है इसी तरीके से 2400 घंटे यहाँ पर गिरता रहता है और गिरकर यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, इसका जो ढेर है इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि अपने आप में एक पहाड़ बन चुका है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं जो राइट हैंड साइड वाला हमारा कूड़ा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी मोटे पत्थर है वो इसी तरीके से यहाँ पर गिरते रहते हैं। कूड़े की पिसाई होने के बाद भी यहाँ पर जो कहानियां भी खत्म नहीं हुई है, अब इसमें जितने भी छोटे छोटे वर्कर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आंटी जी हैं वो चुंबक की सहायता से इस बुरादे में से लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा करती हैं, जिनको बेच के ही अपने रोजमर्रा के साधन चलाती हैं, जो कि एक रोजगार का साधन भी बन जाता है। तो ये जितना भी बुरादा तैयार हुआ है इसको बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके ले जाया जाएगा, जहाँ पर इसका इस्तेमाल बड़े बड़े हाईवे में, सड़क निर्माण में और खेतों में खाद के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। जो साग सब्जियां फल फ्रूट आप खाते हो ना, वो इसी खाद से तैयार होता है, यानी एक पूरा चक्र चलता है। पहले आप खाते हो, उसे फेंकते हो, फिर उसको डिकम्पोज किया जाता है, उसके बाद उसी का खाद बना के खेतों में यूज करके उसी की फल सब्जियां उगाई जाती है। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से लगातार चलता रहता है। तो आज मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से कूड़े को डिकम्पोज करके इसका खाद बना के उपयोग किया जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।